का भी ठंडा हो गया। अबे पढ़ाई कर। दो एकम छः, नहीं नहीं दो एकम पाँच, नहीं 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 अबे उल्लू दो एकम दो होता है। हाँ दो एकम दो, दो दूनी कितना होता है सरपंच जी? क्या है? कौन है? ओ आप ये स्लेट और किताब लेकर क्या कर रहे थे? कहीं स्कूल में भर्ती होने का इरादा तो नहीं? अरे भर्ती तो मैं हो चुका हूँ, लेकिन स्कूल में नहीं, साक्षरता कक्षा में। साक्षरता कक्षा? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, वो सब तो ठीक है, पर ये साक्षरता कक्षा क्या है? अबे इतना बड़ा हो गया है और इतनी सी बात नहीं समझता। नीचे बैठ, नीचे बैठ। साक्षरता कक्षा का मतलब है अनपढ़ों की क्लास, जहाँ पर गांव के मेरे जैसे अनपढ़ लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं भी शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, जानते हो क्यों? वो कोने में है ना तुंदनाथ चौरासिया पान वाला, जब मैं महीने का पान का हिसाब करता हूँ तो पान से ज्यादा वो हिसाब किताब में चूना लगाता है मुझे, और जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा ना फिर देखूंगा ये मुझे कैसे चूना लगाता है, समझे? बस आप इसलिए सीख रहे हैं? अरे नहीं, मैं चाहता हूँ आजादी, गुलामी से आजादी। गुलामी आजादी? मगर हमारे मास्टर जी कहते हैं हमारे भारत को आजाद हुए 50 साल हो गए, तो आप कैसे गुलाम हैं? अरे बेवकूफ, वो जो छोटी सी चिट्ठी पढ़वाने के लिए मुझे दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है, वो गुलामी से, समझे? दूर दूर तक फैले पहाड़, खेतों में काम करती भोली भाली महिलाएं, पाइनएप्पल के वृक्ष, साथ में हरे भरे चाय के खूबसूरत बगान, यही पहचान है उत्तर पूर्व में बसे मेघालय के सबसे पिछड़े जिले रिबॉय की। एक और पहचान है इस जिले की, वो है अभी तक यहाँ के गांवों में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हुआ करता था। किसी के पास कोई चिट्ठी चली आती तो उसे पढ़वाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता। लोगों को पढ़ने का शौक नहीं था क्योंकि इन्हें लगता था कि पढ़ना लिखना एक बेकार की माथापच्ची है, झूठ मूठ का समय गंवाना है। We lack the proper guidance to these young learners, so we do need, counseling and guidance, proper counseling and guidance, and we don't have any agency for the time being, excepting some, you know, NGOs trying, to reach to the people, mostly in the urban areas, but in the rural areas they have not been able to cover. So unless this is done, most of the young generation, they feel that there is no sense in pursuing, this type of education. The only difficulty in Meghalaya is that the villages are scattered. If they would have been, you know, in a cluster of villages where we can have it, that would be an excellent. But here, the villages are scattered and you have to cross 3, 4 or 5 hills across the other hills and to get another village. पर अब स्थिति दूसरी है। भले ही लोग पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हों, पर वे अब पढ़ाई का महत्व समझने लगे हैं। तभी तो गली गली, नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर लोग कम से कम अपना नाम लिखना सीख रहे हैं। इन्हें लगने लगा है कि बगैर पढ़े लिखे उन तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाएगा। लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, भले ही वह अक्षर ज्ञान तक सीमित क्यों ना हो। If we make it too formal and too bookish, you know, they are simple people, they may be put off by seeing the textbook first and all that. But first we want them to learn and to want to learn some more. So naturally, once they learn to write, which is most important, reading, we don't find them it difficult. More or less, most of them can read, but it is the writing part that is difficult. So once they know how to write and a simple arithmetic, then if they want some more, then we can give them. It's not at all difficult. It is only that we have to go and tell them, because village people initially they feel shy, and they feel that, you know, they'll not be in a position to do it. So we built up that confidence in them. It is you who are going to make this village a good village. मगर इन तक अक्षर ज्ञान फैलाने का काम भी आसान नहीं था। अपने आप में मस्त रहने वाले पहाड़ी लोगों की बाहरी दुनिया से लेन देन नहीं के बराबर था। गांव भी सटे हुए न होकर काफी दूर दूर बसे हुए थे। आने जाने का भी रास्ता सड़क न होकर टूटी फूटी पगडंडी थी। और तो और, अनपढ़ होने की वजह से भी इन आदिवासियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
जैसे जब ये बाजार में खेतों के लिए बीज खरीदने जाते तो बनिए 10 के बजाय 20 रुपए ले लेते। ऊपर से अगर बीज लाते तो इन्हें पता नहीं था कि कितनी मात्रा में खेतों में बीज डाली जाए ताकि उपज बेहतर हो सके। लोगों में अंधविश्वास की भावना इस कदर थी कि पेट में अगर दर्द हो तो लोग गले में चूना लगाते थे। We try to help them in many ways. If they want the fertilizers, they want some help seeds, and they want to know about the cattle, how to poultry keeping and all. We always help from our office to write the application, to go to the people, meet the MLAs, and then you know, some people they don't know where to go. So we help them in that way. ऐसे में सबसे पहले साक्षरता कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बीच ये एहसास दिलाने का काम किया कि पढ़ने लिखने से हर किसी को फायदा ही फायदा है, नुकसान जरा सा भी नहीं। पर अगर ये बात सीधे तौर पर बतलाई जाती तो उसका असर भोले भाले आदिवासियों पर नहीं पड़ता, इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साक्षरता से जोड़ा जा सके। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह साक्षरता पर आधारित नाटक मंचित किए गए जिसमें अलग अलग बातों पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। जैसे एक औरत का पति बीमार है मगर वह चाहकर भी पति की मदद नहीं कर पाती। पढ़े लिखे न होने की वजह से वह दवा खाने की बजाय सिनेमा हॉल में चली जाती है और फिर किसी तरह दवाई मिलने पर वह अपने पति को सही खुराक में दवा नहीं दे पाती जिससे अंत में उसका पति तड़प तड़प कर मर जाता है। मोहन, 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 मोहन। Why it happened to me like this? It's all because of my negligence. My parents sent me to go to school, but I refused. Now I realize, but it's too late. Anyway, from now onward, I have to work hard to send my children to school, for they can get the better education. Some places, we have seen that their health is very much down, only because of their illiteracy, because of their superstitions. So with that, it really does harm to them. But now, as we go from place to place, we try to put into their minds. So we try to teach them. Of course, it is not an easy job. It is not an easy job. We have to teach them, we have to convince them through different means, through video, then through the camps, different camps with regards to health, with regards to child health care, with regards to family life, and then with regards to cleanliness, all that we have to go and we have to teach. इससे साक्षरता का माहौल तो बनकर तैयार हो गया, पर दिक्कत आई ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की जो गांव देहात में घूम घूम कर लोगों तक साक्षरता का संदेश पहुंचाते। इसलिए मदद ली गई दरबार की, यानी कि ग्राम पंचायत की, जिसका फैसला गांव वालों के लिए भगवान के फैसले से भी बढ़कर था। We talk to the people, they convene a meeting and we meet the people along with the sardar and the headman, and then he also insists, and we make our point by making them see that the importance of education, and we stress that children under 14 must be in school now. जब शाम गंगपुरा में बन गया ये इलाका में बहुत अच्छा हो गया, सब जितना है आदमी लोग में सब मिल हो करके हम लोग काम कर रहा है। जो भी हम लोग एडवाइस किया, जो भी हम लोग बोल दिया, जो भी हम लोग ऑर्डर दिया, ये बस्ती का आदमी लोग में ना नहीं बोलेगा कभी भी। ग्राम प्रधान भीम बॉय सांगला का मानना है कि गांव में साक्षरता की बदौलत काफी बदलाव आया है। पहला जब बिना लिखा पढ़ा वाला आदमी से हम लोग का दिकदार रहता है ऑफिस जाने के लिए और बाजार जाने के लिए, हिसाब किताब नहीं समझता है। अभी जब थोड़ा बहुत सीख लिया हम लोग का बस्ती आदमी, थोड़ा बहुत आराम हो गया। बाजार जाने के लिए कैसा बिक्री करना है, कैसा लेना है, कैसा करना है, थोड़ा बहुत कोई ऑफिस जाने वाला है, कोई डिस्पेंसरी जाने वाला है, लोग सही बहुत थोड़ा बहुत अभी पहुँच सकता है, इसलिए थोड़ा आराम हो गया। मतलब दूसरी सहायता ली गई स्कूली बच्चों की। बाकायदा एक एक नया सब्जेक्ट शुरू किया गया जिसमें बच्चों को बड़े बूढ़े अनपढ़ों को पढ़ाना पड़ता। इससे स्कूली बच्चों को परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी मिलते और साथ में वाहवाही भी। अनपढ़ों के बीच पढ़ाई का उत्साह बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की गई कि जो अनपढ़ आदमी अपना नाम लिखना सीख लेगा उसे सरकार की तरफ से इनाम वगैरह भी दिए जाते। इससे भी प्रेरित होकर गाँव के अनपढ़ों ने लिखना पढ़ना शुरू किया।
we catch their hands and teach them how to write this line, straight line, and how to write this A and B. But some they learn Isidasan, they are not well learned, so it required a lot of courage to teach these people. Each school are in charge of one particular village. So where that village is, that particular school, which is close by, which is nearer to that particular village, so they are in charge. So all majority, the head teachers, they did that work with the help of our school children. So our school children are in charge to teach. Then the DI asked us to give the marks for them in the SGPW. So that is in the internal assessment. So which class, which students did, and then they have to come and bring those people whom they taught in our schools. Then if they know to write, then we give the mark for those children. So in that way, we really tried our level best. स्कूली बच्चों के प्रयासों का ही नतीजा है कि 85 वर्षीय चंद्रा आज काम पर से सीधे पढ़ने के लिए स्कूल आता है। अब चंद्रा को पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। खेतों में काम करके अपना गुजारा करने वाले कुमार प्रधान में भी पढ़ने का असर साफ दिखता है। दिक्कत होता था हम लोग को माने इधर उधर जाने का टाइम में सुनने सोचे कि ऐसा बाजार में जाने के टाइम में कुछ साग सब्जी खरीद करने का टाइम में भी दिक्कत रहता था हम लोग हिसाब नहीं जानता पैसा हिसाब को नहीं जानता था अभी तो थोड़ा लिखा पढ़ा अच्छा हो गया थोड़ा अच्छा लग रहा है इसी तरह इलियास भी पढ़ने लिखने की बदौलत आज हिसाब किताब कर लेता है कोई बाजार जा जाएगा अभी सामान वामान गिनने के लिए थोड़ा हिसाब करने के लिए भी आराम होता है और क्या क्या सामान का नाम देखने से भी थोड़ा मालूम होता है वो खेत में चारा चरती थी तेरे बाप का वो क्या करती वे सरपंच जी आप सारा दिन खेतों में काम करते रहते हैं बाद में पंचायत का काम फिर घर का काम आपको पढ़ने का क्या फायदा अरे पढ़ने लिखने में फायदा ही फायदा है अनपढ़ आदमी को तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है अरे मुझे ही देखो जब भी मैं फसल बेचने शहर में जाता हूँ तो हमेशा लुट कर ही आता हूँ और एक बात बताओ जिस गांव का सरपंच अनपढ़ होगा उस गांव के लोग कैसे होंगे मुरादाबाद जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों को मेहनतकश लोगों के इलाके के नाम से जाना जाता है शहरों में शिल्पकार और कारीगर मिलेंगे जिन्होंने अपने हाथों से मुरादाबाद का नाम दुनिया में रोशन किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और किसानी से जुड़े लोग पारंपरिक पारिवारिक व्यवसायों और हुनर को सीख कर जिंदगी के सफर को तय करने वाले इन लोगों में पढ़ने लिखने के प्रति रुझान कुछ कम ही था या उसकी कोई जरूरत भी नहीं समझी गई। खाद गुजर के एक वृद्ध घासीराम से जब पूछा गया तो उनका जवाब कुछ यूं था जहां आज भी कुछ गांव दीन दुनिया से कटे हैं और अपनी ही जिंदगी में सिमटे हुए हैं वहां के खेतों में न्यारपार के काम में ही जिंदगी खप जाती है पढ़ने का वक्त ही कहां था अरे हम तो पढ़ाए ना है बड़े बूढ़े होने क्यों अब आपके मन में इच्छा नहीं पढ़ने लिखने की अब तो बताओ जब दस पशु हैं तो उनके लौट फेर में कहां टाइम लगाया इतना महिलाओं की स्थिति तो और भी विकट थी उनकी जिंदगी तो मानो खास पात का ही एक हिस्सा थी देश के दूसरे पिछड़े इलाकों की तरह उनकी जिंदगी घर और खेत में बटी थी किसान आदमी को पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है गांव में बच्चे नहीं पढ़ते बच्चे तो पढ़े हैं अब ये बताओ पहले बड़े बड़े कौन पढ़े हैं इतने हैं अब तो जिया के बच्चे सच्चे से पढ़ रहे हैं अब तो हर एक कौन पढ़ा रही है लेकिन समय जब करवट लेता है तो नजारे भी बदल जाते हैं 1992 में शुरू हुए साक्षरता अभियान के ताजे झोंके ने लोगों के न केवल मानस बदले बल्कि उन्हें वर्षों की जड़ता और बेमतलब की सामाजिक चकड़ों से मुक्त कर दिया पढ़ने लिखने की ललक ने न उम्र को देखा न परंपराओं को न अपने व्यवसाय की व्यस्तता को आज इस जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है 3,68,000 से ज्यादा लोग साक्षर हो चुके हैं नौ लग रहा अपनी सुविधा है कहीं जाओ तो दस्तखत करने ना पड़ते हैं वो अंगूठा लगाना ना पड़ता है दस्तखत करने पड़े हैं और अंगूठा लगाने में कुछ शर्म महसूस होती है तो जा वजह से पढ़ना लिखना जो हमें इतना अच्छा लगो यार कि बहुत अच्छा अंगूठा टेक नहीं रहे अब हम कुछ गाँव में तो साक्षरता का एक उन्माद सा छाया हुआ है ऐसा ही एक गाँव है टांडा अमरपुर जहाँ 30 से भी ज्यादा साक्षरता केंद्र चल रहे हैं अक्षर ज्ञान लोगों के जीवन को बदल देता है कुछ वो लोग जो जिंदगी के आखिरी दौर में हैं और जिन्होंने जिंदगी तो मकसदपूर्ण बिताई पर निरक्षरता उन्हें सालती रही
अब पढ़ लिख कर वे एक आभास के साथ जी रहे हैं कि उनकी जिंदगी अब संपूर्ण है। उमराव सिंह अपने हुक्के के साथ किताब भी अपने पास रखते हैं। उनका कहना है, टेलीविजन में देखा मैंने एक दफे, इतने बड़े बच्चे है, जैसा कि मेरा पोता है, तो वो पोते पर गा बकर है, तो वो डाकिया बकर है, तो वो डाकिया उन्हें अंगूठा लगवा दे, तो बिन पोता ने कहा दादा तुम ऐसा पढ़ा करो, जब वो पढ़े तो दस्तखत करने दीजिए। एक दो महीने में ये सब इतना फायदा हुआ। गांव पतई खादर के हकीम उल्लाह ने बड़ी आसानी से पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें अपने अक्षरों पर नाज है। कहते हैं कि अब जिंदगी में तरतीब आ गई है। बोलने की तहजीब आला है पढ़ने से, वो सता ऐसे ही रहे बेकार आदमी बगैर पढ़ा था। अब जब हम कुछ जाने नहीं, अब तो दस्तक भी कर रहे हैं, बैंक में भी जाकर दस्तक कर दूंगा। मेहनत का श्लोक अब काखागा के हथियारों से लैस है। उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, वे खुद पढ़ सकते हैं। गांव आटा के अनंत पाल का भी यही मत है। गवर्नमेंट से कोई चीज लेने जा रहे हैं तो वहां में लिख रहे हैं कुछ हुए, दे रहे हैं कुछ हुए, तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें ज्ञान था इतना, इतना तो हमें था ही नहीं। अब जब पढ़े लिख रहे हैं तो इतना तो अनुभव हो जाएगा, हमें अक्षर तो पहचान ही लेंगे। आपको और किसी और को भी दिखा सकते हैं तो आप देख भी सकते हो, और जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो हमें दिखाने की आपको जरूरत ही क्या पड़ेगी। हमें मुरादाबाद जनपद कामगारों का जिला है। यहाँ पर चलाए जा रहे साक्षरता अभियान की विशेषता ये है कि यहाँ पर विभिन्न रोजगारों में लगे शिल्पकारों को साक्षर करने पर जोर दिया गया है। गांव में छोटे मोटे रोजगार करने वालों और कारीगरों को चिन्हित किया गया और उन्हें साक्षरता केंद्र में लाकर साक्षर करने की दिशा में कदम उठाए गए। गांव खादगुजर के सरदार बनारसी सिंह एक दिन में 6-7 गाँव का फेरा लगाते हैं। ताले सुधारने के लिए जो हाथ छेनी हथौड़ी लिए गांव-गांव भटकते रहे, आज वे ही हाथ अक्षरों पर भी चल रहे हैं। बनारसी सिंह को इन्हें इनका महत्व मालूम है। इतना तो एकता हो गया कि जो आदमी रेल मोटर का भी देख सकता है, कहां जा रही है कहानी, इतना तो जरूर जान गए हम, और आगे और भी जान सकते हैं। एक गांव से दूसरे गांव सवारियों को अपनी गाड़ी पर ढोने वाले घोड़े की रास थामे दिल पुकार जब भी मौका मिलता है साक्षरता केंद्र में जा बैठते हैं। अक्षर ज्ञान हो गया है, सर पर चाल से पढ़ना भी चाहते हैं। जो और पढ़े वाले तो बोले हम भी पढ़ेंगे। तुमने पहले पढ़ाई नहीं की थी? ना, पढ़े हैं तो दो चार अक्षर पढ़े भी है, तो हम पढ़े ना, समय पहले काम में लगा दिए हम। मुरादाबाद के गाँव की दीवारों पर साक्षरता का सूरज दस्तक दे रहा है जो निरक्षरता के अंधकार को हर कर रहेगा। अरे चौधरी जी, उस दिन कितना मजा आया था, क्या नाटक था, क्या गाने थे। सुनिया गाना सुनाते हैं ताऊ झगड़ू, आप भी सुनिए। अरे गांव में कक्षा लग रही रे, पढ़ने चलियो राजा राजा रे, पढ़ने चलियो राजा, गांव में कक्षा लग रही रे। ये कौन सी फिल्म का गाना है? मैंने तो ये फिल्म देखी नहीं। लगी थी क्या? आई थी क्या फिल्म? कौन से थिएटर में? अबे उल्लू, तुझे हर वक्त फिल्मों का ही सोचा रहता, तेरे बाप से शिकायत लगाकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। पर क्या आई थी और क्या लगी थी? अरे वो कला जत्था वालों की टोली आई थी और उन्होंने प्यारे प्यारे नाटक किए थे, मधुर गीत सुनाए थे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। गांव वालों का सुधार हुआ कि पढ़ने के क्या फायदे हैं। अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जरूर पढ़ूंगा। इन भोले भाले दुमका के आदिवासियों की जुबान पर मचलते हैं साक्षरता के गीत और कदम थिरकते हैं साक्षर होने के उत्साह से। इसीलिए तो इन्हें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सत्यन मेत्रा पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आदिवासी आदिम निरक्षर पग लेकर चले थे और आज खड़े हैं साक्षरता के उस द्वार पर जो इनके लिए दुनिया को जानने समझने का मार्ग है। इस कहानी का पहला कदम एक आदिम कदम था जहां पर निरक्षरता और अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। बिहार के दक्षिणी भाग में फैले पठारी क्षेत्र के ये आदिवासी हर तरह से पिछड़े हुए थे, क्या राजनीतिक,
क्या आर्थिक और क्या शैक्षणिक। आजादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी यहाँ पर किसी तरह के उद्योग धंधे का विकास हो ही नहीं पाया। जिले की 90% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। 50% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं, और तो और ये साल के 4 महीने रोजी रोटी के लिए पड़ोसी राज्य बंगाल की ओर पलायन कर जाते हैं। बाकी के 8 महीने मजदूरी के लिए आसपास के कस्बों में जाते हैं। दिन भर के थके मांदे लोगों के बीच पढ़ाई लिखाई की बातें करना कितना मुश्किल था, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। शर्म यहाँ था कि पढ़ा लिखा भेटी का कमी था, महिला भेटी का तो बहुत कमी था। दूर दराज में आदिवासी क्षेत्र था, दिन भर लोग पी के डर रहते थे, समझते नहीं थे हम लोगों की बातों को। बावजूद घबराने के जिला साक्षरता मिशन ने इसे चुनौती के रूप में लिया कि पूरे दुमका को 1.5 साल के दौरान हर हाल में साक्षर करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हालांकि साक्षरता अभियान की शुरुआत में लोगों को शक था कि ये अभियान भी पहले चलाए गए प्रौढ़ शिक्षा की तरह सरकारी तमाशा बनकर ना रह जाए, इसीलिए अभियान को न केवल प्रशासन बल्कि हर एक व्यक्ति ने मिशन के रूप में लिया। सबसे पहले आदिवासी बहुल दुमका में पहले चरण में 10 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। 14 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा समिति और सभी 289 पंचायतों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया। 40 मुख्य स्रोत व्यक्तियों और 1500 मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान की गई। 40,000 प्रशिक्षित स्वयं सेवकों की टीम तैयार की गई, जिन पर 4,00,000 निरक्षरों को साक्षर बनाने का दारोमदार था। इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों, सरकारी सेवकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को भी समिति में रखा गया। साथ ही साथ समिति में 30% स्थान महिलाओं को भी दिया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न भाषाओं के कला जत्थों का गठन किया गया। ये लोग गांव-गांव में जाते और नाटक, गीत के जरिए आदिवासियों में साक्षरता के प्रति उत्साह जगाते। अभियान के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अनगिनत पैदल रैलियां, साइकिल रैलियां निकाली गईं, साक्षरता संबंधी नारे दीवारों पर लिखे गए जो लोगों को साक्षरता का संदेश दे रहे थे। वातावरण निर्माण के बाद बात आई नवसाक्षरों के लिए किताबें बनाने की, तो यहाँ के आदिवासियों के लिए खास तौर से प्राइमर तैयार की गई, जिसमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों को रखा गया। साक्षरता अभियान को गति एवं जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए कई नए प्रयोग किए गए। लोगों में ये धारणा फैलाई गई कि साक्षरता के आने से लोगों को सभी विकास कार्यक्रमों में लाभ मिलेगा। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए अधिकारी दूर दराज गाँव में जनता दरबार लगाते और लोगों की दिक्कतों का निपटारा करते। यही नहीं, लोगों को समझाया गया कि अगर पढ़ लिख जाओगे तो महाजनी शोषण से बच पाओगे, पता चलेगा दारू पीने से क्या क्या नुकसान होता है। जैसे कि शिकारी में रहने वाले गणेश का सोचना है कि थोड़ा पीने से कोई नुकसान नहीं होता, ज्यादा पीने से खराब ही होता है, थोड़ा पीने से ठीक होता है। पढ़ाई में सबसे आगे रहने वाली पंचायत को साक्षरता भवन दिया गया, जहां पर आकर नव साक्षर तरह तरह की किताबें पढ़ते और मन में उठती जिज्ञासा को शांत करते। यहाँ आते थे आगे जानकारी नहीं थे, यहाँ आने पर बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है। या साक्षरता में भी सब निरक्षर थे, सब अभी साक्षर बन रहे हैं। अभियान की सफलता के लिए इसे आदिवासियों की परंपरागत कला एवं संस्कृति से जोड़ा गया। शुरू शुरू में स्वयं सेवकों को भारी कमी रही, तब इसमें बेरोजगार पढ़े लिखे युवकों को जोड़ने का काम किया गया। उन्हें समझाया गया कि अगर वे लोगों को साक्षर बनाते हैं तो न केवल उनके इलाके का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली गई। जब लोगों के दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि साक्षरता सरकारी कार्यक्रम न होकर उनका अपना कार्यक्रम है, तो हर वर्ग के लोग तन मन से अभियान की सफलता में जुट गए। इसका परिणाम था कि लोगों ने निर्जन व वीरान पहाड़ी को मनोरम स्थल के रूप में बदल दिया और नाम दिया उस पहाड़ी को साक्षर पहाड़। उस जो भीटी एमटी हम लोग जो बिना पैसा के जिन्होंने इस अभियान में काम किया है, अपना मैंने कीमती समय को छोड़ करके अभियान को सफल बनाने में, और उनको हम उसके बदले में कुछ नहीं दे सके हैं, तो कम से कम एक ऐसा स्थान उसको दिया जिससे कि आने वाला समय उनको याद करता रहेगा। चूंकि निरक्षरों में ज्यादा संख्या महिलाओं की थी, इस कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गांव-गांव में जागो बहना समिति बनाई गई। ये समितियां महिलाओं को न केवल शोषण से मुक्ति दिलवाने में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें विकास कार्यक्रमों की जानकारी भी देती हैं।
जागो बहना से जुड़ी महिलाएं घर घर जाकर यह भी बताती कि बच्चों की देखभाल कैसे करें, ORS खोल कैसे तैयार करें। घर घर हम लोग जा करके किसी के घर में बीमारी होती है या किसी के घर में कोई समस्या होती है, उन लोगों को हम लोग जा करके बताते हैं। अगर किसी के घर में बीमारी बच्चा रहता है तो उन लोगों को हम लोग ORS घोल बना करके तत्काल हम लोग पीने के लिए उन लोगों को बताते हैं। अगर उनके पास ORS घोल नहीं होता है तब उन लोगों को तत्काल हम लोग चीनी और एक चुटकी नमक दे करके उनको घोल बनाते हैं और तुरंत हम लोग उनको पिलवाते हैं। गाँव में पीने के पानी का अभाव था, ज्यादातर हैंडपंप खराब पड़े हुए थे। ऐसे में एक पंथ दो काज की नीति अपनाई गई, एक तो आत्मनिर्भरता, दूसरे महिलाओं में भागीदारी का बोध कराने के उद्देश्य से महिलाओं को हैंडपंप मरम्मत की ट्रेनिंग दी गई। ये महिलाएं गांव-गांव जाती और पानी की समस्या का निदान मिनटों में कर देती। अभी सब खुशी लग रहा है, बोल रहा है बहुत अच्छा काम महिला सब कर रही है, अच्छा है। पढ़ने चलियो राजा राजा रे, पढ़ने चलियो राजा। अरे सरपंच जी, आप गाना ही गाते रहोगे, टाइम भी बताओगे? ओ टाइम, अरे टाइम तो बहुत खराब है, 10 बज गए, मेरा साक्षरता कक्षा में जाने का समय हो गया। आओ मैं कक्षा लग रही रे, गाँव में कक्षा लग रही रे, पढ़ने चलियो राजा राजा रे, पढ़ने चलियो राजा राजा रे, पढ़ने चलियो राजा।